नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योति इंडिया के इस नए प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम चाणक्य नीति के 12वें अध्याय के महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में जानेंगे। वह गृहस्थ भगवान की कृपा को पा चुका है जिसके घर में आनंददायी वातावरण है, जिसके बच्चे गुणी है, जिसकी पत्नी मधुर वाणी बोलती है, जिसके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है, जो अपनी पत्नी से सुखपूर्ण संबंध रखता है, जिसके नौकर उसका कहा मानते हैं, जिसके घर में मेहमान का स्वागत किया जाता है, जिसके घर में मंगलदायी भगवान की पूजा रोज की जाती है, जहां स्वाद भरा भोजन और पान किया जाता है, जिसे भगवान के भक्तों की संगति में आनंद आता है। जो एक संकट का सामना करने वाले ब्राह्मण को भक्ति भाव से अल्प दान देता है, उसे बदले में विपुल लाभ होता है। वे लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से दुर्दयापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त हैं। जिन लोगों ने अपने हाथों से दान नहीं दिया, कानों से कभी वेदों को नहीं सुना, अपनी आंखों से साधु संतों के दर्शन नहीं किए, अपने पांव से तीर्थयात्रा नहीं की, जिसके पेट में पाप की कमाई का अन्न जाता है, अभिमान से भरे जो अकड़कर चलते हैं, ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ है। अतः हे सियार रूपी नीच प्राणियों, तुम ऐसे नीच और अतिस्वार्थी जीवन को जितनी भी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी उसे छोड़ दो, अर्थात ऐसे गुण रहित जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। धिक्कार है उन्हें जिन्हें भगवान श्री कृष्ण, जो मां यशोदा के लाडले हैं, उनके चरण कमलों में कोई भक्ति नहीं, मृदंग की ध्वनि धिक्तम धिक्तम करके ऐसे लोगों का धिक्कार करती है। वसंत ऋतु क्या करेगी यदि बांस पर पत्ते नहीं आते, सूर्य का क्या दोष यदि उल्लू दिन में देख नहीं सकता, बादलों का क्या दोष यदि बारिश की बूंदे चातक पक्षी की चोंच में नहीं गिरती, उसे कोई कैसे बदल सकता है जो किसी के मूल में है। एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है यदि वह एक भक्त से सत्संग करता है, लेकिन दुष्ट का संग करने से भक्त दूषित नहीं होता। जमीन पर जो फूल गिरता है उससे धरती सुगंधित होती है, लेकिन पुष्प को धरती की गंध नहीं लगती। उसका सही में कल्याण हो जाता है जिसे भक्त के दर्शन होते हैं। भक्त में तुरंत शुद्ध करने की क्षमता है, पवित्र क्षेत्र में तो लंबे समय के संपर्क से शुद्धि होती है। एक अजनबी ने एक ब्राह्मण से पूछा, बताइए इस शहर में महान कौन है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि खजूर के पेड़ का समूह महान है। अजनबी ने सवाल किया कि यहां दानी कौन है? जवाब मिला कि वह धोबी जो सुबह कपड़े ले जाता है और शाम को लौटाता है। प्रश्न हुआ, यहां सबसे काबिल कौन है? जवाब मिला, यहां हर कोई दूसरों का द्रव्य और दारा हरण करने में काबिल है। प्रश्न हुआ कि आप ऐसी जगह पर कैसे रह सकते हैं? जवाब मिला कि जैसे एक कीड़ा एक दुर्गंध युक्त जगह पर रहता है। वह घर जहां ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं जाता, जहां वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता और जहां भगवान को और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता, वह घर एक शमशान है। सत्य मेरी माता है, आध्यात्मिक ज्ञान मेरा पिता है, धर्माचरण मेरा बंधु है, दया मेरा मित्र है, भीतर की शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है, मेरे परिवार में ये 6 लोग हैं। हमारा शरीर नाश्वर है, धन में तो कोई स्थायी भाव नहीं है, मृत्यु हरदम हमारे निकट है, इसलिए हमें तुरंत पुण्य कर्म करने चाहिए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन में आनंद आता है, गायों को ताजी कोमल
घास खाने में, पत्नी को पति के सानिध्य में, क्षत्रियों को युद्ध में आनंद आता है। जो दूसरे की पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला, दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान मानता है, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है और वही विद्वान है। भगवान राम में ये सब गुण हैं। सद्गुणों में प्रीति, मीठे वचन, दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता, मन की गहरी शांति, शुद्ध आचरण, गुणों की परख, शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति, रूप की सुंदरता, भगवत भक्ति। कल्पतरु तो एक लकड़ी ही है, स्वर्ण का सुमेर पर्वत तो निश्चल है, चिंतामणि तो एक पत्थर है, सूर्य में ताप है, चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, अमर्याद समुद्र तो खारा है, कामदेव का तो शरीर ही जल गया, महाराज बलि तो राक्षस कुल में पैदा हुए, कामधेनु तो पशु ही है, भगवान राम के समान कौन है? विद्या सफर में हमारा मित्र है, पत्नी घर पर मित्र है, औषधि रुग्ण व्यक्ति की मित्र है, मरते वक्त तो पुण्य कर्म ही मित्र है। राज परिवारों से शिष्टाचार सीखें, पंडितों से बोलने की कला सीखें, जुआरियों से झूठ बोलना सीखें, एक औरत से छल सीखें। बिना सोचे समझे उल्टे सीधे खर्च करने वाले, अपने साथी न होने पर भी लड़ाई झगड़ा करने वाले और हर प्रकार की स्त्रियों से संभोग करने वाले पुरुष तथा शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान ज्ञानी प्राणी को अपने आहार के संबंध में सोच विचार नहीं करना चाहिए। भोजन की चिंता से पहले तो उसे अपने धर्म की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के खाने का प्रबंध उसके जन्म के साथ ही ईश्वर कर देते हैं। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वो सुखी रहता है। बूंद बूंद से सागर बनता है, इसी तरह बूंद बूंद से ज्ञान, गुण और संपत्ति प्राप्त होते हैं। ढलती आयु को देखकर भी जो प्राणी पाप करने से नहीं चूकते, वे सदा दुष्ट ही बने रहते हैं। जैसे बहुत पक जाने पर भी इंद्रियाण के फल में मिठास नहीं आती, वह कड़वा ही बना रहता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि चाणक्य की नीतियां आपको आपके जीवन को सफल बनाने में मददगार साबित होंगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और ज्ञान भरी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।